हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगलेश्वर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10th का जो वीडियो बनाया था लास्ट में, वो इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो शुरू किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, यानी पहचान कैसे होगी क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे। जैसे बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन है 4.1 का, एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर इजिकल टू 2x-3। इसको हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखो यहां से क्या बन रहा है। देखो, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, 2ab आ रहा है। ये एलजेब्रा मैथमेटिक्स यानी कि बीजगणित का सूत्र था ये। यहां ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यानी ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है वन, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वन की स्क्वायर प्लस 2 x 1। यहां इजिकल टू था तो इजिकल टू, टू का अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 2x-, के 2 x 3 कितना होता है, 6 होता है। अब एक्स की स्क्वायर प्लस वन की स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस 2 x 1 यानी कितना आ गया, 2x आ गया, इजिकल टू 2x- क्या आ गया, 6 आ गया। अब इजिकल टू 0 यानी बराबर के आगे क्या करना है, 0 है तो इसका क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है वो माइनस का है वो प्लस का, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1 + 2x, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का, इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एक्स की स्क्वायर की कोई भी पद नहीं है तो एक्स की स्क्वायर आ गया, 2x यहाँ किसका है, प्लस का, और यहाँ किसका है, माइनस का, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गए, यहाँ 1 और यहाँ क्या है, 6 है, प्लस क्या आ गया, 7, इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जहां चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो ऐसे भी व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। तो यहां चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अपने पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट यहां पे कर रहा हूं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू -2 -2, 3- क्या है, एक्स, 3- क्या है, एक्स है। अब वापस इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो हम इसको हल कर रहे हैं, एक्स की स्क्वायर किस गया, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 2x किस गया, 2x इजिकल टू, अब -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, प्लस के 3 के साथ, तो -(+) क्या होता है, माइनस होता है, 2 x 3 कितना होता है, 6। अब -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस के एक्स के साथ, -(-) क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 x क्या हो गया, 2x हो गया। बराबर में क्या करना है, इजिकल टू क्या करना है, इजिकल टू करना है 0, तो इनका क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो एक्स की स्क्वायर -2x, ये किस माइनस का 6 है, तो इंटरचेंज होने पर किसका आ गया, प्लस के, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, पक्षांतरण। ये प्लस के कितने हैं, 2x है, तो क्या आ गया, माइनस के 2x आ गया, इजिकल टू क्या आ गया, 0। इजिकल टू का मतलब होता है कि बराबर, इज इक्वल टू सेम, यहां x की स्क्वायर, यहां माइनस के 2x और यहां भी माइनस के 2x, अरे माइनस का 2x और माइनस का 2x कितने हो गए रे,
माइनस का 4x हो गए। तो माइनस के कितने आ गए बच्चों 4x और प्लस के कितने आ गए 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहां देखते हैं द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। बच्चों आप खुद ही सोच के बताओ कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण की क्या परिभाषा थी, इसको कैसे परिभाषित किया था हमने कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चार पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों 2 होनी चाहिए। तो यहाँ चार पद की अधिकतम घात कितनी है 2 है। बहुपद की परिभाषा लेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चार पद की अधिकतम घात नहीं बोलेंगे, यानी चार पद की घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों। तो ये अपना पहला और इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया पहले का। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये बच्चों कि x माइनस टू एक्स प्लस वन, x माइनस टू और x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन और x माइनस x प्लस थ्री है बच्चों। ये लो, इसको अपने को देख के ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप स्वयं भी इसको ट्राई करना, पहले बाद में वीडियो देखना। देखो बच्चों, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर इस x का 1 के साथ करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के कितना है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। अब माइनस 2 का x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस और 2x आ जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा इज इक्वल टू। इसी प्रकार इसका करेंगे x का x से करेंगे तो क्या जाएगा, x की स्क्वायर, दोनों प्लस के है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। यहां से ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहां से माइनस x आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस के 3। माइनस क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहां किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसीलिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, एक्स की स्क्वायर किस गया, एक्स की स्क्वायर आ गया, यहां भी एक्स का पद है और यहां भी एक्स का पद है, ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो किसका बच गया, माइनस का एक्स। फिर माइनस के कितने आ गए बच्चों, 2 आ गए, इज इक्वल टू यानी बराबर एक्स की स्क्वायर किस गया, क्या गया, एक्स की स्क्वायर प्लस के 3x है और माइनस के एक्स है, तो प्लस के कितने आ गए रे 2x, माइनस के कितने आ गए 3 आ गए। इंटरचेंज कर दो, चाहे इसको इंटरचेंज कर दो, चाहे इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज करेंगे तो x की स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस के कितने आ गए 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इन पूरे के पूरे इंटरचेंज किया तो इसके चिन्ह है वो क्या हो गए बच्चों, चेंज हो गए, इसके चिन्ह चेंज हो गए। तो ये प्लस का, ये माइनस का, यहां से ये एक्स माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस के कितने एक्स हो गए, 3x हो गए। माइनस के 2 और प्लस के 3, तो प्लस के 1 आ गए, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब वापस वो परिभाषा देखते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चार पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब तो वो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो एक्सरसाइज अपनी 4.1 है उसको पूरा करेंगे, और आप इस वीडियो में इस चैनल पे बने रहना। जय हिंद, जय भारत।